गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल इस वीडियो में मैं आपको मार्च से लेकर नवंबर के, के मंथ तक का एक प्रिपरेशन प्लान बताऊंगी फॉर कैट ट्वेंटी ट्वेंटी लेकिन नॉन इंजीनियर्स के लिए या फिर के जिनकी मैथ कमजोर है मार्च में स्टार्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट चाहे आप कैट एग्जाम की तैयारी शुरू कर चुके हो या फिर जस्ट अभी स्टार्ट करने वाले हो दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपको हेल्प करेगी क्योंकि आपको पता लगेगा की आने वाले नाइन मंथ को आपने कैसे बाइफकेट करना है जब मैंने अपनी तैयारी की Which was in the year 2017 तब मार्च से लेके सो मार्च अप्रैल मई और जून जुलाईस्टमेंट है, है।, है, है लेकिन कुछ डिफरेंसिस भी होंगे होती है कि दोनों ही के अंदर, आप पहले तो अपना सिलेबस फिनिश करने की कोशिश करोगे और दूसरी चीज आप कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को फेमिलियर करने की कोशिश करोगे यानी कि आपका काम सिर्फ यह होता है कि अगर आपको पे तो आप आप हो एग्जाम पास आ रहा होता है तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है वो अपनी जॉब को लाइट लेने लगते हैं और जो लोग कॉलेज में होते हैं उनको वेकेशन भी होती है जून जुलाई में मोस्टली उसकी वजह से आपके पास टाइम ज्यादा होता है और सीरियस ज्यादा होते हो सेकेंड डिफरेंस होता है कि आप

ज्यादा है जैसे ये ओसवाल बुक की लास्ट ट्वेंटी फाइव इसमें आपको सबसे पहले ये सिलेबस गिवन है इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर आप सेक्शन चेक करते हो तो उसमें आपको एक ट्रेंड एनालिसिस भी गिवन है ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि लास्ट जितने भी कैट के पेपर्स आए हैं उसमें कौन से टॉपिक के अंदर तो तो वेटेज होती है इसमें भी अगर आप लास्ट ईयर का देखते हो तो आपको पता लगेगा की एल्जेब्रा की बहुत ज्यादा वेटेज थी लास्ट ईयर काफी क्वेश्चन आए थे एल्जेब्रा में से और काफी उनमें से ईजी भी थे सो so बेसिकली जब आप चेक कर लेते हो कि कौन से टॉपिक्स की वेटेज ज्यादा रही है या फिर कौन से टॉपिक्स ईजी होते हैं जैसे अरिथमेटिक

करती हूँ कि वो बनाते कैसे हैं बट अगर आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए हो कि मुझे डायरेक्टली बता दो कितने क्वेश्चन करने हैं तो आई वुड से कॉन्ट के थर्टी टू फिफ्टी क्वेश्चन डेली डी के फाइव टू सेवन सेट्स और आरसीज में थ्री टू फाइव आप चाहो तो तीनों सेक्शन एक ही दिन में टेकअप कर सकते हो या एक दिन में एक या दो सेक्शन भी कर सकते हो वो एंटायरली आपकी चॉइस है इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैंने उस वीडियो में भी मेंशन की थी कि आपको एक डेडलाइन सेट करनी है तो अगर आप मार्च में स्टार्ट कर रहे हो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑगस्ट एंड की डेडलाइन रखो आप सिक्स मंथ्स में अपना सारा सिलेबस और सारे सिलेबस के जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज उसको कंप्लीट कर लो याद रखो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बाय द एंड ऑफ

ट्रैक हो दैट मीन्स आपके पास एक क्लियर कट प्लान नहीं है क्लियर कट प्लान बनाने का जो तरीका है वो मैंने डेली रूटीन की वीडियो में ही बताया था यानी कि आप सेट कर लो कि आपको छह महीने के अंदर अगर पूरा सिलेबस करना है तो हर वीक के अंदर कितना कितना करना है फिर आप मेजर करते रहोगे कि क्या मेरा इस वीक में वो कंप्लीट हुआ अगर नहीं हुआ तो आप ऑफ ट्रैक हो अगर हो गया तो आप ऑन ट्रैक हो ये चीज आपको इसलिए हेल्प करेगी कि आप किसी भी टाइम पे गिव अप नहीं करोगे आपको पता है कि आप कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो अगर आपने प्लान नहीं बनाया होगा तो आपको हर टाइम यही लगेगा कि मैं तो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूँ

दो या तीन जरूर पढ़ती थी उससे मेरी रीडिंग स्पीड डेवलप होती थी जो कि मुझे रीडिंगलिटी डेवेलप थी, थी हो, हो वो आप रोज खेलो चाहे ट्रेवलिंग के टाइम पे या फिर आपको जब भी स्पेयर टाइम मिलता है उससे आपकी रीजनिंग एबिलिटी डेवेलप होगी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और ये दो एक्टिविटीज करने के साथ साथ एक और काम करना होता है जब भी आपका कोई ये चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद वो काम ये होता है कि आपने टॉपिक टेस्ट लेना होता है अब इसका मतलब ये मान लो मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक चैप्टर पकड़ा मैंने उसके कॉन्सेप्ट्स देखे उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए मेरा वो चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद आप एक टेस्ट लेते हो टेस्ट या तो आप ऑनलाइन मोड में ले सकते हो जैसे कई कोचिंग्स प्रोवाइड करती हैं कि आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक टेस्ट लिया या फिर के आप पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चन ढूंढ सकते हो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में से और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो उससे ये होता है कि आपका वो चैप्टर और ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है और ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं एंड आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपको वो चैप्टर समझ में आ गया है अगर आप में से किसी के पास वो टॉपिक टेस्ट नहीं है या फिर कि आप चाहते हो कि आप पास्ट ईयर पेपर्स को खुद ढूंढ ढूंढ के मत निकालो

भी यूज कर सकते हो तो अगर आप ये बुक्स यूज करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका मेंशन कर कर दूंगी आप चेक कर सकते हो उसके बाद आता है सितंबर अक्टूबर और नवंबर का जोन उसको हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे जब वो टाइम आएगा बट टू गिव यू एन ओवरव्यू उस टाइम के अंदर आप इस पूरे सिलेबस की रिविजन करते हो अलॉन्ग विद आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो जिससे आपके वीकर एरिया स्ट्रांग हो जाए एंड आपके मॉक टेस्ट लेने का नंबर बढ़ जाता है क्योंकि उस टाइम पे आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करोगे इसके अलावा मैं आपको चार और टिप्स देना चाहूंगी फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम मंथ ऑफ मार्च सबसे पहला टिप ये है, जो मैंने पीछे भी लिखा है प्रोग्रेस ओवर क्योंकि हेल्पलेसनेस फील होती है हम देखते हैं कि यार, इतना पड़ा है, अभी हम इतना दूर हैं उस डेस्टिनेशन से बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप गिव कंसिस्टेंटली तैयारी करो रोज चाहे थोड़ा थोड़ा करो लेकिन यू शुड नॉट गिव फोकस ऑन द प्रोग्रेस एंड नॉट

हो सकता है आपके सीनियर होंगे इतने सारे और यूट्यूबर्स हैं हो सकता है कि आपको अलग अलग एडवाइस अलग अलग स्ट्रैटेजी सुनने को मिले और कई बार तो वो कॉन्ट्राडिक्ट्री भी होती हैं आप सुन सबकी लो या जितनों की भी सुनना चाहते हो सुन लो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाओ कभी भी ये मत सोचना कि उन्होंने तो ये कहा था लेकिन मैं ये कर रहा हूं जो आपको सूट करता है आप उसको फॉलो करो फाइनल पॉइंट इज कि आप बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करना सो so, जैसा कि मैंने कहा इस जर्नी के अंदर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है कई बार हम सोचते हैं कि चलो आज नहीं हुआ कल कर लेंगे कल नहीं हुआ परसों कर लेंगे मैं मैं ये रूल फॉलो करती थी कि मैं एक हफ्ते का जो टारगेट है वो अचीव करती थी चाहे फिर मैं जितनी भी दिनों में उसको कंप्लीट सो दिस इज ब्रॉडली हाउ यू कैन कवर योर सिलेबस फ्रॉम मार्च टिल नवंबर इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू कैट ट्वेंटी तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो आई विल ट्राई रिस्पॉन्डिंग टू एज मेनी एज पॉसिबल अगर आप पहली बार इस चैनल की कोई भी वीडियो देख रहे हो देन आई वुड रिकमेंड कि आप बाकी वीडियोस भी चेकआउट करना उसमें आपको और ज्यादा कोर्सेस स्किल्स डेवलप करने के इनपुट्स मिल जाएंगे जो आपको इवेंचुअली आपकी एमबीए जर्नी में हेल्प करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट टाइम